दोस्तों नमस्कार, एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं एपी सर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी स्पेशल जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ साथ में अपर पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है वहां पर अब यूपी स्पेशल पूछा ही जाता, पेपर उठा के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। हर साल क्वेश्चन भर भर के आते हैं और अब तो और यूपी पीसीएस मेंस का एक पेपर ही यूपी स्पेशल के नाम से जुड़ने जा रहा है। साथ में यूपी ट्रिपल एससी में आप देखेंगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसके पहले हमने कल के क्लास में दो वीडियो यूपी स्पेशल के दे चुके हैं, एक जनरल चीज़ें और यूपी की सीमाएं किसके साथ रखती हैं, यूपी में आखिरकार 18 मंडल हैं उसमें कौन से जिले शामिल हैं, सबको विध मानचित्र और ट्रिक के साथ हमने बताया। और हम आपको आशा दिलाते हैं कि अगर वो वीडियो आपने इसी एग्जाम कोच के YouTube चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक वाला वीडियो, वहाँ उस वीडियो को देख लीजिए। आपको वीडियो देखते ही सारी चीज़ें दिमाग में ना बैठ जाएं और हमेशा के लिए ना याद रहे तो आप बताइएगा, भूलना चाहोगे तब भी आप नहीं भूल पाओगे, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आज हम अब इसी यूपी स्पेशल के अंतर्गत कैसे कैसे उत्तर प्रदेश, आखिरकार उत्तर प्रदेश कैसे हुआ, क्या पहले भी इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता था या इसका नाम कुछ और था, इसका नाम क्या संयुक्त प्रांत कब था, संयुक्त प्रांत से और इसके पहले क्या नाम था, पूरा ऐतिहासिक हम बैकग्राउंड समझेंगे। और हम आपको 75 जिलों को खंगाल के इस प्रकार रख देने वाले हैं, विश्वास आप करिए कि एक भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल का क्लास के डिस्कशन से बाहर चला गया बेकार है, इतना तो आपको हम वादा करते हैं। और ये आप जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि यहाँ वो चीज़ आपको नहीं बताई जाती जो आपको पसंद आए, यहाँ वो बताई जाती है जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आने आना है, हमने आपको 75 जिले जब चुटकियों में आप अपनी जेब में रख के जाओगे, कहाँ क्या है, क्या विशेषता, कौन मंदिर, कौन मस्जिद, कौन क्या, हर चीज को जाओगे तो क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो आज इसी श्रृंखला में हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक रूप से कैसे नामकरण हुआ, कब कब क्या हुआ, इन सब को हम समझते हैं। तो टॉप कल वाले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आसपास किनके साथ बॉर्डर बनाता है, इन सब के बारे में विध मानचित्र हम समझे थे। तो उसको जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप देखिए। आज हम उत्तर प्रदेश का गठन को हम समझेंगे, तो उत्तर प्रदेश का नाम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आइए, अब हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का आखिरकार क्या शुरुआत से नाम उत्तर प्रदेश था या पहले इसका क्या नाम था, इन सबको हम समझेंगे। आज जो हम यूपी यूपी बोलते हैं क्या शुरू से ही यूपी था, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 1836 में ये सन याद रखिएगा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से एक प्रांत का गठन होता है। तो ये सबसे पहले जो आज का आप उत्तर प्रदेश देखते हो 1836 से इसे किस नाम से जाना गया, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो पूछे उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जो आज उत्तर प्रदेश आज आप देखते हो इसका उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, तो 1836 में। लेकिन फिर 1877 में याद कीजिए, ये वही 77 है जब दिल्ली दरबार का आयोजन होगा और फिर उत्तर पश्चिम जो प्रांत था इसका नाम बदला गया और नाम बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 1877 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, 1836 में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो इसको उत्तर प्रदेश को कौन, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। और इसी उत्तर पश्चिम प्रांत को जब 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत आगे क्या लगा देना, आगरा एवं अवध कर दिया जाता है। इसके बाद अब आगरा एवं अवध का
संयुक्त प्रांत इसका नामकरण फिर परिवर्तित होता है 1902 में। 1902 में एक बार फिर से इसका नाम परिवर्तित किया जाता, तो 1902 में इसका नाम परिवर्तित करके 1902 में एक बार इसका नाम फिर से परिवर्तित होता है और इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से किसे जाना गया? तो ये उत्तर प्रदेश को जाना गया। तो ये तीन बार नाम बदल चुका। हमने कहा पहली बार नाम कब बदला, तो याद रखिए 1836 में। वो 1836 में क्या नाम हुआ? तो उत्तर प्रदेश को 1836 से किस नाम से जाना गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 कैसे दिमाग में याद रखोगे? दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार के समय इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा एवं अवध। इसके बाद फिर आगरा एवं अवध जो शुरू का था उसको शुरू में उठा लाइए। 1902 में इसका नाम फिर परिवर्तित किया गया, और 1902 में याद रखिए मित्रों क्या नाम कर दिया गया? तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो 1902 से अब उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और एक बार 1902 के बाद अब आगे 1937 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट जो बताने वाले हैं। और 1937 से उत्तर प्रदेश जो आगरा एवं अवध था इसको कर दिया गया निपटारा। अब उत्तर प्रदेश केवल कौन? तो ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। तो 1937 से संयुक्त, तो 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। ये क्लियर हो गया। तो यहां से आपकी क्या चीजें हो गई? 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो हमने कहा उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। फिर हमने कहा 1902 में फिर से परिवर्तन हुआ, आगरा एवं अवध को आगे लाना है। तो 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। फिर आगे ध्यान रखिएगा 1937 में आगरा एवं अवध को हटाया जाता है और उत्तर प्रदेश का नाम क्या किया गया? उत्तर कौन? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और लास्ट जो परिवर्तन हुआ, आज का जो उत्तर प्रदेश आप देखते हो, ये परिवर्तन 24 जनवरी, अब आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी आज का जो उत्तर प्रदेश आप देखते हो, यूपी यानी अपना यूपी प्यारा सा जो यूपी है, ये कब किया जाता है? तो ये 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहलाया। यानी संयुक्त प्रांत जो 1937 से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में हुआ था, 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश के रूप में गठित हुआ। इसीलिए आप हर साल देखोगे 24 जनवरी 1950 में चूंकि इसका गठन हुआ, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर यहां तक आ गया हो? अगला है, तो ये आपकी यात्रा क्रम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। शुरू करिए 1836 में आगरा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में लंबा सा नाम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध का क्या हो गया? आगे आ गया तो 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 37 में आगरा एवं अवध का निपटारा, केवल संयुक्त प्रांत बचा। तो 1937 में संयुक्त प्रांत, और फिर संयुक्त प्रांत नाम परिवर्तित करके 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहलाया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी परिवर्तन होता आया है। तो कब कब कौन सी राजधानी परिवर्तित की गई उसको भी हम लोग जानते हैं। तो कब कब राजधानी परिवर्तित की गई, आइए देखने की, समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो भाई, राजधानी परिवर्तन पे आइए। सबसे पहले देखो ये 1836, सबसे पहले 1836 से आगरा, तो आगरा राजधानी कब बनाई जाती है? तो ये ध्यान दीजिएगा 1836। और 1858 से राजधानी क्या होती? प्रयागराज। तो राजधानी परिवर्तन कौन हो गया? 1836। और 1836 में नाम पता है आपको क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ये आगरा राजधानी थी, तो
तो ये कौन, सबसे पहले आगरा राजधानी बनाई गई। फिर अगला परिवर्तन 1858-57 का विद्रोह, सुनते ही हो, तो आपका 1858 से प्रयागराज, प्रयागराज राजधानी। अब 1858 का जो विक्टोरिया महारानी की उद्घोषणा आया था, लॉर्ड केनिंग उस समय यहाँ का कौन था, झंडूबाम था, उसने उस जो आया था उद्घोषणा उसको इलाहाबाद में सुनाया था। अब इलाहाबाद प्रयागराज समझ में आ गया होगा क्योंकि वही राजधानी हुआ करती थी। तो ये 1858 को प्रयागराज राजधानी, फिर 1921 को से लखनऊ, यानी 1921 में राजधानी क्या, लखनऊ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ काम लखनऊ से होते थे, कुछ कुछ काम प्रयागराज से होते थे, और लास्ट में पूरी तरीके से जो लखनऊ राजधानी बनती है ये 1935, और 1935 से लखनऊ राजधानी बनी और आज तक लखनऊ राजधानी है। तो ये 1935 से कौन, लखनऊ राजधानी बनी और आज तक लखनऊ राजधानी यानी जानी जाती है। तो राजधानी परिवर्तन के क्रम में 1836 में पहले कहाँ, आगरा, 1858 से प्रयागराज, विक्टोरिया वाला उद्घोषणा से याद रखोगे, 1921 से लखनऊ, इसके पहले, उसके बाद 1935 से पूरी तरीके से लखनऊ राजधानी बना दी जाती है, बना दी जाती है। अगला देखिएगा इसमें, अब उत्तर प्रदेश का गठन समझ ही चुके हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन फिर आपका 1 नवंबर 1956 को होता है। इसके बाद एक बार विभाजन होता है, देखो ये लिखो ऐसे, इसको मिला दो, तो ये उत्तराखंड लिखते हो तो उत्तरांचल के रूप में ऐसे लिखते हो कि नहीं, तो ये इसको मिलाओ, 9 बन गया कि नहीं बन गया, तो इससे ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के रूप में, उत्तरांचल के रूप में उत्तर प्रदेश के कुछ जिले उत्तरांचल में चले जाते हैं और इसका क्या किया जाता, विभाजन। तो 9 नवंबर 2020 को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर के कुछ जिले अलग हो करके यानी उत्तराखंड का गठन होता। अब इसमें बेसिक चीज़ें, राज्य की भाषा पूछा जाओ तो ये हिंदी है, इसको 1947 से अपनाया गया। उर्दू पूछे, दूसरा बहुत पूछता, दूसरी भाषा इसकी कौन सी है, उर्दू है, जो 1989 से अपनाई गई, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली भाषा हिंदी, दूसरी कौन, कौन है, तो ये उर्दू 1989 से अपनाई गई। अब अन्य चीज़ों को समझिएगा, बाकी चीज़ें आइए, अन्य चीज़ों में राज्य की, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष पूछे, तो वृक्ष क्या, अशोक, सब लोग देखे हैं। पुष्प पूछे तो पुष्प है पलाश, पुष्प कौन है, पलाश, या इसी को पेसू के नाम से जाना जाता है, पेसू, पलाश या पेसू। अगला है राज्य की पशु पूछा जाए तो बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु बारहसिंघा। इसके बाद पक्षी पूछा जाए तो सारस या क्रौंच, सारस या क्रौंच, तो ये आपका उंगलियों पे होना चाहिए। ब्रज पूछे तो अशोक, ब्रज पूछे तो अशोक, पुष्प पूछे तो पलाश, पशु पूछे तो बारहसिंघा, शेर मत लगा दीजिएगा, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का। पक्षी पूछे तो सारस या क्रौंच, और राज्य की चिन्ह पूछे तो एक व्रत है, व्रत में तीर धनुष है, और तीर धनु, एक व्रत में दो मछली हैं, एक मछली यहाँ और एक मछली यहाँ, आप बना देखे होगे, और इसमें तीर धनुष, इसी में तीर धनुष, इसी में तीर धनुष भी है, तो ये तीर धनुष के साथ, यानी एक व्रत में दो मछली, एक तीर धनुष, और इसे कब, 1938 में स्वीकार किया गया है, 1938 में स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार हम समझ लेते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश कितने भागों में फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम ये वाला प्रसार देखें, ये उत्तर प्रदेश है, इधर वाला ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, ललितपुर, इधर वाला ये सोनभद्र, ये कौन हो गया, ये वाला सहारनपुर, सहारनपुर अभी हम समझेंगे। सबसे पहले इसका हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में, तो याद रखिए चौथा, इसका मतलब पहले स्थान पे कौन हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान के नीचे उतरिए तो पहले स्थान पे राजस्थान, नंबर दो पे एमपी हो गया, और एमपी के बगल अगला नंबर तीन पे कौन, महाराष्ट्र, यानी एम एच, तो ये आपका कौन हो गया,
नंबर एक पे, चारों ये ध्यान रखिएगा राजस्थान, नंबर दो पे एमपी, नंबर तीन में महाराष्ट्र, तीन ये चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का ये टोटल एरिया पूछा जाए तो याद रखिएगा ये पूछा जाता 240,928 ये है, ये रट लीजिए 240,928 कोई ऑप्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया 240,928 किलोमीटर है जो पूरे भागल पूरे भारत का 7.33% 7.33 ये भी याद रखिएगा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है ये 240,928 किलोमीटर है जो भारत का 7.33% है। अब इसकी स्थिति देखेंगे तो कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो ये ग्लोब पे एक स्थिति एक तो ये वाली हो गई, ये वाली, और ये कौन हो गई ए वाली, जो ये वाला विस्तार है ये कहलाता है देशांतरी विस्तार, जो अगला लंबवत वाला विस्तार है इसको क्या बोलते हैं ये वाला, ये कहलाता अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार। और ये अक्षांशी विस्तार क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में, पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर प्रदेश भी आएगा। ये वाला विस्तार क्या कहलाता देशांतरी विस्तार, और पूरी तरीके से भारत पूर्वी देशांतर में है तो उत्तर प्रदेश भी पूर्वी आएगा, दोनों में पूर्वी लिखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का अगर ये हम देखते हैं अक्षांशी विस्तार, अब समझ में आ चुका होगा, तो ये कितना है यानी इसका उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना है, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार ध्यान दीजिएगा कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, और दूसरा पूर्व से पश्चिम लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई ये देखो ज़्यादा है, ये लंबाई आपको ज़्यादा दिख भी रही है, और पूर्व से पश्चिम लंबाई उत्तर प्रदेश की ये 650 किलोमीटर है, दिमाग में बैठाइए 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई है, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है, और ये आपकी कितनी है 240 किलोमीटर, ये जो लंबवत हमने लंबाई किया है ये 240 किलोमीटर, दिमाग में बैठाइए पूर्व से पश्चिम लंबाई उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण लंबाई देखोगे तो 240 किलोमीटर है, कौन ज़्यादा लंबाई है पूर्व से पश्चिम वाला, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई 240 किलोमीटर है जो कम है। अब इसका विस्तार पूछा जाए तो ये कौन है, तो उत्तरी यानी इसका उत्तरी अक्षांशी विस्तार कितना है 23:52 से 31:28 तो ये 23:52 ऐसे 23:52 से लेकर 31 डिग्री ये उत्तरी छोर की है, ध्यान दीजिएगा ये आपका अक्षांशी विस्तार है अब जो बताने जा रहे हैं 31 डिग्री और अगला मिनट है 31 28 23 52 31 28 ये रट लीजिए 23:52 31:28 और दोनों में यहां भी नॉर्थ लिखिएगा यहां, क्योंकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तरी अक्षांश में है, तो 23:52 से 23:52 से कितना है 23:52 से 23:52 से 31:28 37:03 से 84:39 37:30 से अगला ये देशांतरी विस्तार, ये वाला देशांतरी मतलब ये पट वाला, जो पट वाला विस्तार है यहाँ कितना है, तो यहाँ ये जो पॉइंट शुरू होता है यानी मोटा मोटा ये, तो कितना ये हो गया नॉर्थ वाला, तो ये 23:52 से लेकर 31:28 और ऊपर ये 23:52 ये है और 31:28 ये ऊपर वाला 31:28 डिग्री ये नॉर्थ, ये हम इधर पूर्व से पश्चिम वाला देखते हैं तो ये 77:30 मिनट ईस्ट से लेकर जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये कितना है, तो ये 84:39 क्लियर 77:30 से 84 और 30 का देख लो तो 7 का गैप है बीच में, 7 डिग्री पूर्वी देशांतर का गैप है 77:30 से 84:39 पूर्वी और पश्चिमी छोर वाला जो देशांतरी विस्तार है यूपी का कितना है, तो 77:30 से 7 का गैप है, 77 में कितना 7 ऐड करोगे 84 होगा, 77:30 से 84:39 और उत्तर से दक्षिण लंबा वाला तो हमने क्या बताया 23 से याद रखिएगा, तो ये कितना
23 52 से 31 28 यही बात यहाँ पर लिखी गई है। शायद ये बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखिएगा, आगे आओ, देखो भाई आगे देखो। अगला है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन जिले पूछता है, और वही क्रम में लगाइए उत्तर प्रदेश के कौन से हैं। तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी। अगर ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाओगे तो यहाँ पर मिलेगा लखीमपुर, ज़्यादा पीछे बना दिए, इधर ये लखीमपुर खीरी है। सबसे ज्यादा इसी लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है, लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे ये सोनभद्र, ये नीचे वाला, ये सोनभद्र। और तीसरे नंबर पे हरदोई, ये बीच में, हमने इसको भी याद किया था। ये सर्वाधिक जिला 8 जिला आसपास के शेयर करता है, तो ये है हरदोई। तो ये तीन सर्वाधिक जिले वाले बिल्कुल दिमाग में याद, ऊपर से सोन कौन, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, फिर हरदोई। अब सबसे कम तीन जिले याद करो क्षेत्रफल वाले, जिनका एरिया कम है, तो ये हापुर, इधर कौन है, ये हापुर, हापुर, इसको भी हम याद किए थे, हापुर। हापुर के बाद गाजियाबाद, हापुर गाजियाबाद, उसके बाद भदोही, इसी के साथ यहाँ दिल्ली से लगा हुआ कौन है, गाजियाबाद, फिर भदोही। तो ये तीन न्यूनतम जिले कौन हो गए, हापुर हो गया, गाजियाबाद, भदोही, हापुर गाजियाबाद भदोही। अब बात आती है कि जो ये NCR है दिल्ली, इससे कौन कौन से जिले बॉर्डर साझा करते हैं, NCR दिल्ली से कौन। तो ये पहला इसकी ट्रिक बना लो, कौन से आप ट्रिक पीछे भी बनाए थे, यानी बाबू गा गा गा, बाबू गा 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 वाला ट्रिक बनाए थे, याद कीजिए, एक आपको याद करवाए थे, कौन सा, बुलंदशहर, तो बुलंदशहर वाला याद करवाए थे। आपका छोटा बच्चा है उसको बाबू बोल रहे हो और गा नहीं रहा गीत, तो उसको बार बार कहते हैं बाबू गा गा गा, तो इसमें कौन, बाबू गा गा, बाबू गा गा। तो ये बाबू से क्या हो गया, अगला, यहां से बा से क्या हो गया, बागपत, बागपत, अगले ये बू से क्या हो गया, बुलंदशहर, दो हो गया, गा से हो गया गा गा, तो एक हो गया गाजियाबाद, गाजियाबाद, अगले गा से क्या हो गया, सेम ट्रिक है यहां भी लगा रहे हैं, अगले गा से हो गया गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अगले गा से गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, देखिए कहां कहां ट्रिक आपकी काम करती है। तो बाबू गा गा पीछे कल वाले में भी बताए थे, तो ये कौन हो गया, बागपत, जो किससे बार ये NCR से लगते हैं, बागपत हो गया, दूसरा हमने कहा बाबू बुलंदशहर हो गया, गा गा तो ये आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तो ये काट दो, बुलंदशहर, उसके बाद कौन हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद हमने एक और बताया था, याद हो तो हमने कहा था कि यहां जो सहारनपुर है, क्या है, सहारनपुर है, सहारनपुर में हमने एक चीज बताई थी कि MSS, याद आ रहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ये किस मंडल में आते हैं, MSS, याद करो, सहारनपुर मंडल में आते हैं, 18 मंडल याद करवाए, वही MSS, तीन बताए थे। तो यहां पर आपको क्या हटा देना है, यहां जो NCR के साथ जिला कौन नहीं लगता, तो यहां सहारनपुर नहीं लगता, बाकी ये मुजफ्फरनगर लगता है और शामली लगता है, तो मुजफ्फरनगर शामली, मुजफ्फरनगर शामली, यानी सहारनपुर यहां से हटाना है, मुजफ्फरनगर शामली लगता है। और उसके बाद दो और जिले ध्यान रखना, यानी कल भी इन दोनों का जिक्र किए थे, हापुर मेरठ, ये वही चौधरी चरण सिंह किसान दिवस जिनका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979-80, बहुत कम समय के लिए बनते हैं, लेकिन ये किसानों के लिए और यूपी में जो जमींदारी या उन्मूलन अधिनियम देखते हो, इनके प्रयासों से लाया गया, प्रमुख ये प्रणेता थे। तो यही
यानी यहाँ से इनका संबंध था हापुड़ से, मेरठ से, तो हापुड़ और मेरठ, तो टोटल कितने ज़िले हो गए जो एनसीआर के साथ लगते हैं गिन लो, यानी एक आपका बुलंदशहर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ये आपके हो गए जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। तो आपकी ट्रिक भी दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, ना बैठी वो एक बार आप फिर से ये इस चीज़ को बताते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? हमने आपको बताया कि सारी चीज़ें याद करवाना हमारा काम है। तो यस जे जे ओ सॉरी यम यस यस वाला सहारनपुर मंडल वाला भी आपको याद है, सहारनपुर मंडल में कितने ज़िले हैं? तीन। और यम यस यस वाला नीचे भी हम ट्रिक से आपको बैठाए थे, सारा कॉन्सेप्ट बताए थे, तीन ट्रिक का बनाए थे, याद है कि भूल गए? चलो हमने कहा था ये यूपी का इसे खींचिए, ये तो हमने कहा था ये तीन, तो यहाँ भी लिखिए यम यस यस और तीन, यहाँ पर भी लिखिए, कौन आपका हो गया एम एस एस, ये हमने कहा था ये सेम एज है लेकिन अंतर है, यहाँ एम से मिर्जापुर हो जाएगा, ये कौन हो गया संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, और यहाँ पर ये अगला हो गया सोनभद्र, ये तीन जिले किसमें आते हैं? ये आते मिर्जापुर मंडल में, किसमें आते हैं? मिर्जापुर मंडल में। यहाँ पर हमने कहा सहारनपुर मंडल में तीन जिले सेम एज एम एस एस, यानी एम एस एस, कौन? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। तो हमने कहा ये चूंकि ऊपर चला गया तो ये एनसीआर में नहीं आता, फिर यहाँ पर भी तीन हमने कहा था बना लो, हमने कहा था यहाँ पर जल जा जे जल, जल से ध्यान रखना जे जे यल, तो कौन हो गया? यानी जालौन और उसके बाद झांसी और उसके बाद ललितपुर, ये किस मंडल में आते हैं? तो हमने कहा था ये झांसी मंडल में आते हैं, याद आ रहा कि नहीं? पूरी ट्रिक से कल बताए थे, अब उन्हीं का रिपीट यहाँ कर रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया एनसीआर में, एक और आपका मंडल आपको याद करवाए थे, तो आपको क्या बाबू गा गा गा, बाबू गा गा गा, तो बाबू गा गा से ये आपका क्या हो गया, ये आपके दो दो चार यहाँ से याद हो गए, दो दो चार और दो यहाँ से एम एस एस से याद कर लो, एम एस एस से, तो ये कौन हो गया? बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और इसमें क्या आपको ये सहारनपुर काट देना है एक, तो ये कौन? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद फिर कौन हो जाएगा? शामली, और उसके बाद मेरठ, और मेरठ है तो आपका अपना हापुड़, हापुड़ तो आएगा ही, तो हापुड़, तो ये जिले आठ हो गए जो किसमें? एनसीआर में आते हैं। अब भूल के दिखाओगे तब बताएंगे, ठीक क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या? आ जाओ, अब यहां पर हमने आपके लिए कलर भी ये कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर, उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, तो ये छोर पूछता है। तो सब उत्तर प्रदेश का सबसे जो आपका यहाँ कलर वाला ये दिख रहा है, ये वाला, ये कौन है? इसी का नाम है सहारनपुर, सहारनपुर मंडल भी है, ये कौन है? सहारनपुर। अगर पूछे यूपी का सबसे उत्तरी छोर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी छोर सहारनपुर, और सासा वाला सासा ये यहां ये जो बना है इसी का नाम है सोनभद्र, और ये है उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे दक्षिणी छोर, सबसे दक्षिणी छोर, सबसे दक्षिणी छोर। तो ये उत्तरी पूछे तो सहारनपुर नॉर्थ, दक्षिणी पूछे तो सोनभद्र, अब ईस्ट वाला पूछे उत्तर प्रदेश का तो ये आपके सामने ये खीरा जैसा, लौकी जैसा, ये लौकी जैसा जो लटका है इसी को बोलते हैं बलिया, जियो हो राजा जी बलिया, बलिया है सबसे उत्तरी छोर। और यहीं पर देखोगे बलिया, गोरखपुर, ये सब हम बात करने वाले हैं, तो ये है बलिया, ये क्या है? बलिया है, बलिया, बलिया के बाद फिर आइए पश्चिमी छोर सबसे ये वाला, जहां आप देख रहे हो सहारनपुर, यहीं पर ये कलर वाला देखिए ये वाला, तो ये वाला हिस्सा कौन है? इसको बोलते हैं शामली, और शामली के साथ जो ये नीचे वाला ये वाला हिस्सा देखते हो तो ये
शामली, शामली, तो ये आपका कौन हो गया, शामली। तो सबसे जो ये शामली और मुजफ्फरनगर यहाँ है, तो ये शामली आपको ध्यान रखना, ये शामली है सबसे, ये ईस्ट छोर हो गया, ये वेस्ट छोर हो गया। क्लियर? तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण छोर सबसे सोनभद्र, पूर्वी छोर बलिया और पश्चिमी छोर शामली। बिल्कुल आपका ये शामली बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, शामली बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हो गए, यानी विध मानचित्र भी हमने समझ लिया। तो ये आपका था यूपी का, और यानी यूपी की बातें, तो यूपी की बातें अब तक आपने एक सामान्य परिचय जान लिया है और उसका एक भौगोलिक विस्तार भी जान लिया। इसके आगे और हम समझेंगे, और इसी के साथ कल फिर क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।